ये काफ़ी अच्छा सवाल है। तो पहले सवाल पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। टू पार्टिकल्स ए एंड बी हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई। दो पार्टिकल है जिनके बीच का फेज डिफरेंस पाई है। व्हेन अ साइन वेव पासेस थ्रू द रीजन, तो एक साइन वेव पास हो रही है एक रीजन से, और उस रीजन में ऑब्वियसली बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, उसमें से किसी दो पार्टिकल की बात चल रही है, पहले का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। तो सोचो भाई, एक ही वेव जा रही है दोनों पार्टिकल से, तो दोनों पार्टिकल की ऑसिलेट करने की फ्रीक्वेंसी सेम ही होगी। जो वेव की फ्रीक्वेंसी होगी वही भाई ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी होगी किसी भी पार्टिकल की, ठीक है? तो ए ऑप्शन गलत हो गया। ए ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, ए ऑसिलेट एट हाफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। तो ये बकवास बात हो गई, ए ऑप्शन गलत हो गया। अब बी सी और डी को समझने के लिए अपने को थोड़ा सा मैथमेटिकली जाना पड़ेगा। कैसे, देखो जैसे मान लो वेव की इक्वेशन को मान लिया वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, मान लिया इक्वेशन, ठीक है? तो ये जो ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव लिखा हुआ है, उसको मैं बोल सकता हूँ ना कि वो फेज वन है। ये मान लेते हैं एक एक ए पार्टिकल, पार्टिकल नंबर ए की जो पोजिशन है उसको मैं एक्स वन मान लेता हूँ, ठीक है? तो वाई ए विल बिकम वॉट, ओमेगा टी माइनस के एक्स वन प्लस के प्लस फाइव। तो ये फेज नंबर वन हो गया, यानी कि पार्टिकल ए का फेज हो गया, कौन, ये चीज़, ठीक है? तो अब भाई सिंपल सी बात है, वाई बी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स टू प्लस फाइव हो जाएगा, क्योंकि मैंने बी की पोजीशन को एक्स टू मान लिया, ठीक है? अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए और बी का जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, वो पाई है, ठीक है? तो अब इतना ना अपन लफड़ा नहीं पालेंगे, इतना मैं इस पूरे टर्म को फेज वन बोल लेता हूँ, ठीक है? और इस पूरे टर्म को मैं बोल लेता हूँ फेज टू। अब मेरे को पता है क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी का जो डिफरेंस है वो कितना है, पाई का है। तो फाई टू को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई, फाई वन प्लस पाई लिख सकता हूँ। तो जो मेरी इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, वाई ए इज इक्वल टू ए साइन फाई वन। भाई ये बस सिंप्लीफाई करने के लिए लिख दिया मैं फाई वन फाई टू, है ना? क्योंकि उससे समझाने में थोड़ा सा मेरे को आसानी पड़ेगी और आप लोगों को समझने में भी आसानी पड़ेगी। तो वाई बी इज इक्वल टू क्या आ गया, ए साइन फाई वन प्लस पाई आ गया। अब बी ऑप्शन पढ़ते हैं अपन। ए एंड बी मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, कैसे कैसे जज करें? ये अगर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है तो उसकी वेलोसिटी की इक्वेशन क्या हो जाएगी, वी ए इज इक्वल टू डी वाई ए बाय डी टी, ठीक है ना? और जब अपन इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो आई होप आप लोगों को याद हो कि क्या आता है, ए ओमेगा कॉस ऑफ फाइव वन आता है, ठीक है ना? और इस सेकेंड इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूँगा तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी आएगा, वो आएगा ए ओमेगा कॉस ऑफ फाई वन प्लस पाई आ जाएगा, ठीक है? अब देख लो भाई, इस चीज़ को ध्यान से देखो। इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ओमेगा, अब ये पाई प्लस फाई वन कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है भाई, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो कॉस पाई प्लस फाई वन की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस कॉस ऑफ पाई, तो ये आ गया, सॉरी, माइनस कॉस ऑफ फाई वन। अब ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जन आना चाहिए भाई, है ना? तो ये हो गया माइनस ए ओमेगा कॉस ऑफ फाई वन। अब देख लो भाई, ये अपने को दिया हुआ है वी ए, ये आया वी बी, साफ साफ दिख रहा है दोनों की डायरेक्शन, दोनों का साइन कैसा है, अपोजिट है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी का साइन अपोजिट है, मतलब उन दोनों की जो डायरेक्शन है वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी की, वो अपोजिट है, ख़त्म कहानी। तो बी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है ना? ए एंड बी मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। अब वैसे तो हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इतना लंबा एक्सप्लेनेशन क्यों, तो वो है एक्सप्लेनेशन लंबा है, लेकिन वो प्रैक्टिस के साथ वैसे भी याद हो जाता है। मतलब ये डिस्कशन याद हो जाती है जब दो पार्टिकल के बीच का फेज डिफरेंस पाए हो,
तो पाई फेज डिफरेंस का मतलब ऑटोमेटिकली लोगों को याद हो जाता है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी अपोजिट। लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो बिल्कुल बेस से, बिल्कुल बेसिक से यदि मैं आगे बढ़ना चाहूँ तो वही यही तरीका है उसका। ठीक है, चलो अब मैं सी की तरफ बढ़ता हूँ। ए एंड बी मस्ट बी सेपरेटेड बाय हाफ द वेवलेंथ। तो भाई वेवलेंथ और फेज डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है? डेल्टा फाइव इक्वल टू के इंटू डेल्टा एक्स। मैं क्या बोल दिया, पता नहीं मैं क्या बोल दिया अभी। फेज डिफरेंस और दो पार्टिकल्स के बीच का जो सेपरेशन होता है डेल्टा एक्स, उसके बीच में जो रिलेशन होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। शायद मैं कुछ गलत बोल दिया, खैर जो भी है। तो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड टू पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय डेल्टा एक्स। तो भाई अब फेज डिफरेंस हमें पाया दिया हुआ है, तो के इंटू डेल्टा एक्स से यदि मैं उसको इक्वेट करता हूँ तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आई? पाए बाय के, है ना। अब ये पाए बाय के की वैल्यू क्या होती है भाई? 2π/λ होती है। तो ये डेल्टा एक्स के बराबर आ गया, ये पाए से पाए चले गया, लैम्डा कूद के ऊपर चले जाएगा, तो λ/2 इज इक्वल टू आ गया डेल्टा एक्स। तो जो थर्ड स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो भी बिल्कुल करेक्ट है ना। क्या लिखा हुआ है पढ़ लो, ए एंड बी मस्ट बी सेपरेटेड बाय हाफ द वेवलेंथ। तो यस बिल्कुल सही है। आगे, द डिस्प्लेसमेंट एट ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। तो अब इसके लिए अपने को और मैथ्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। ये देखो, वाई ए इतना है और वाई बी इतना है, ठीक है। तो देखो भाई, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, वाई बी को। इसको देखो, ए साइन 5π/1 अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो ये हो गया -a sin 5π/1। अब इसको देखो, ये वाई बी है और ये है वाई ए। साफ साफ दिख रहा है दोनों का मैग्नीट्यूड है a sin 5π/1, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, एक ऊपर है तो दूसरा नीचे है, क्योंकि नेगेटिव साइन है दूसरे के में, यानी कि वाई बी के में। लेकिन मैग्नीट्यूड की यदि मैं बात करूँ तो वो बराबर है। तो इस तरीके से फोर्थ ऑप्शन भी, यानी कि डी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया है ना। द डिस्प्लेसमेंट एट ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। तो ये बिल्कुल बेसिक से यदि चलना चाहो तो दिस इज़ द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। उसके बाद वो कुछ लोग याद कर लेते हैं इस चीज़ को कि भाई जैसे मान लो ये वेव है, तो कोई भी दो पार्टिकल ले लिए इसका, ये वाला और ये वाला, इनके बीच का अगर फेज डिफरेंस लैम्डा बाय सॉरी पार जो डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स है वो λ/2 है, तो एक अगर ऊपर जा रहा है तो दूसरा 101% नीचे जा रहा होगा, और दोनों की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा पहला। दूसरा, अगर ये पार्टिकल्स की मीन पोजीशन है तो इसका डिस्प्लेसमेंट इतना है और इसका डिस्प्लेसमेंट इतना है, उन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो ये लोगों को याद रहता है, आप लोगों को भी याद हो जाएगा जैसे जैसे वेव में प्रैक्टिस और करोगे, है ना। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।